बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री साहब आ रहे हैं और यहाँ बिहार में कार्यक्रम है 13 मई से 17 मई तक। नहीं एक रुपया लेंगे और नहीं कोई एक रुपया देगा, फ्री एंट्री है। जगह 10-12 लाख आदमी की भीड़ होने की संभावना है। 13 मई को भव्य स्वागत होगी उनकी महावीर मंदिर में। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना पधार रहे हैं, जिसको लेकर उनके श्रद्धालुओं में खुशी की लहर होने वाली है। जी हाँ, बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर बाबा का दरबार भी लगाया जाएगा, जहाँ पर तकरीबन 5 लाख की संख्या में श्रद्धालु मौजूद होंगे। तो चलिए बता देते हैं कि गौ रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष इस बारे में विस्तार से क्या कुछ बता रहे हैं, बाबा के आगमन पर क्या कुछ राजधानी पटना में खास होने वाला है, चलिए सुनाते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम हम जो बाबा बागेश्वर धाम की अभी बिहार में प्रचार चल रही है, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कानपुर में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाबा ने मुझे बुलाया है और यहाँ बिहार में कार्यक्रम है 13 मई से 17 मई तक। तो महावीर मंदिर के हमारे जो अध्यक्ष हैं कुणाल किशोर साहब, उन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और बिहार में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री साहब आ रहे हैं। 13 मई को भव्य स्वागत होगी उनकी महावीर मंदिर में, उसके बाद वो कथा स्थल पर चले जाएंगे। बहुत उत्साह है, उल्लास है, चप्पे चप्पे पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और जो भी होगा वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होगा, जो बाबा बागेश्वर को ध्यान लगाएगा जरूर बाबा बागेश्वर उनको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो बस चढ़ के हिस्सा लीजिए इस कार्यक्रम में। आप लोग आने का अनुमान आप लगा रहे हैं? लमसम हमारे गांधी मैदान में तो जगह आउट हो जाए, मतलब ये पूरा भर के एकदम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले समाचार मिला कि पटना से बाहर संपत चक में लगेगी, क्योंकि जगह 10-12 लाख आदमी की भीड़ होने की संभावना है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होगी। लंगर की भी व्यवस्था हो रही है? लंगर की व्यवस्था होगी, सारे जितने भी श्रद्धालु आएंगे सभी को समय समय पे वहाँ प्रसाद वितरण होगी और सभी को स्वागत के लिए सभी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है सभी तरह से। और बाबा आप लोग भी आइए सभी लोग और धीरेन्द्र शास्त्री साहब का। श्रद्धालुओं के लिए एंट्री फीस भी होगा? बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए टीवी चैनल पे आप लोग अक्सर देखा करते होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री साहब बोलते हैं नहीं एक रुपया लेंगे और नहीं कोई एक रुपया देगा, फ्री एंट्री है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। बागेश्वर धाम बाबा की अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो अपना ध्यान लगाइए और बाबा दर्शन देंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा के आगमन से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है और बाबा के आने के बाद से दरबार भी लगेगा, उनके चाहने वाले लोग, उनके श्रद्धालु सब बाबा को साक्षात देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जितने लोग बाबा को चाहते हैं उतने ही उनके प्रतिद्वंदी भी है, उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन इसी बीच बाबा के आगमन से क्या कुछ होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।